नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक दवाई फेरमफास के बारे में। दोस्तों फेरमफास एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी है और एक बायोकेमिक मेडिसिन भी है। बायोकेमिक मेडिसिन क्या होती है इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों आपको बायोकेमिस्ट्री के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले डॉक्टर सुजलर के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों सन 1875 में डॉक्टर सुजलर नाम के होम्योपैथिक डॉक्टर ने बायोकेमिस्ट्री के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर में 12 प्रकार के ऐसे लवण होते हैं जिनकी कमी से शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो 12 लवण डिसाइड किए, जो 12 लवणों का निर्धारण किया, वही 12 लवण या कहें 12 साल्ट जो है दोस्तों सुजलर की 12 टिश्यू रेमेडी बनती कहलाती है। और उन्हीं 12 में से कुछ कुछ साल्ट का आपस में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो दोस्तों बायो कॉम्बिनेशन के रूप में होम्योपैथी में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों फेरमफास को लो पोटेंसी जैसे 3x 6x में बायोकेमिक मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है और हाई पोटेंसी जैसे 30, 200, 6, 12 आदि के रूप में दोस्तों होम्योपैथिक दवा के रूप में भी यूज किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि फेरमफास दवा का क्या रोल है और ये शरीर में किन किन बीमारियों में यूज की जाती है। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि फेरमफास दवा का जो सबसे बड़ा रोल है वो है शरीर के प्रत्येक टिश्यू में, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन को सही तरीके से पहुंचाना। यानी ये समझ लीजिए कि यदि आपके शरीर में फेरम की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी प्रत्येक सेल्स तक, प्रत्येक टिश्यू तक। दोस्तों जब ऑक्सीजन ब्लड में सही तरीके से पहुंचती है, ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से होता है, तो दोस्तों खून जो है वो एक जगह जमा नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि शरीर में ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच रही है तो ब्लड का जो ट्रांसफर होगा वो भी सही तरीके से होगा। तो आप देखेंगे कि जब भी हमारी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है उसकी प्रथम अवस्था में खून जो है शरीर में जगह जगह जम जाता है, जो हमें लाली के रूप में, सूजन के रूप में दिखाई देता है। तो फेरमफास दवा का दोस्तों सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है किसी भी बीमारी में जब इन्फ्लामेशन हो उसकी प्रथम अवस्था में, जहां पर रेडनेस हो, जहां पर हल्की फुल्की सूजन आ गई हो, लाली बनी हुई हो, वहां पर दोस्तों जब हम फेरमफास होम्योपैथिक दवा देते हैं तो ये प्रॉपर तरीके में ऑक्सीजन को जो है अवशोषित करता है, ब्लड को प्रॉपर तरीके में सर्कुलेट करता है, और जो रुधिर वाहिकाओं में जगह जगह ब्लड जम गया है, जो आपको सूजन के रूप में या लाली के रूप में दिखाई दे रहा है, वो वापस ब्लड सर्कुलेट हो जाता है और ये सूजन लाली जो दोस्तों फिर से सामान्य हो जाती है। तो ऐसी सभी कंडीशन जहां पर इन्फ्लामेशन की या सूजन की प्रथम अवस्था हो दोस्तों, वहां पर फेरमफास दवा का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि फेरमफास जो है ब्लड में ऑक्सीजन को सभी जगह पहुंचाता है या ब्लड का बॉडी में सभी जगह ट्रांसफर करता है, तो दोस्तों फेरमफास को एनीमिया यानी कि खून की कमी में भी यूज किया जाता है। यदि ब्लड में प्रॉपर तरीके से खून सभी तरफ नहीं पहुंच पा रहा दोस्तों, तो व्यक्ति को कमजोरी आने लगती है, व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, तो इन सभी अवस्थाओं में फेरमफास का यूज किया जाता है। और फेरमफास दोस्तों शरीर के लिए इस टॉनिक के रूप में या एनीमिया की बीमारी में कितनी ज्यादा प्रभावी है, ये दोस्तों आप इन कुछ टॉनिकों को देखकर समझ सकते हैं। होम्योपैथी में दोस्तों खून बढ़ाने वाला टॉनिक हो या शरीर को मजबूती देने वाला किसी भी कंपनी का अल्फा अल्फा टॉनिक हो, वो बिना फेरमफास के पूरा हो ही नहीं सकता है। चाहे आप एलन का यहाँ पर टॉनिक देख लीजिए, ब्लड बढ़ाने वाला, खून की कमी को दूर करने वाला, या आप देख लीजिए यहाँ पर मेडिसिन का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध अल्फा अल्फा टॉनिक, या न्यू लाइफ कंपनी का बहुत ही फेमस खून बढ़ाने वाला हेमारेक्स, किसी भी कंपनी का आप दोस्तों खून बढ़ाने वाला या टॉनिक अल्फा अल्फा जो बहुत प्रसिद्ध देंगे, तो उसमें आपको फेरमफास दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में डाला हुआ मिलेगा, क्योंकि बिना उसके दोस्तों होम्योपैथी में किसी भी टॉनिक की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों फेरमफास के दूसरे उपयोग के बारे में बात करें तो फेरमफास को दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति को जुकाम होता है तो जुकाम की प्रथम अवस्था में नाक में लाली सी आ जाती है, नाक में जो दोस्तों उसमें कंजेशन सा फील होता है और थोड़ी सी सूजन सी लगती है। तो इस प्रकार से जब जुकाम की प्रथम अवस्था हो, जब जुकाम में जो पतला पानी बहना या गाढ़ा पस वाला सिक्रेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ हो, वहां पर भी दोस्तों फेरमफास का यूज किया जाता है। फेरमफास 3x 6x पोटेंसी में 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम देने से इस प्रकार का जुकाम ठीक होता है। आप देखेंगे तो बायोकेमिक की जो विश्व प्रसिद्ध होम्योपैथिक मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 जो सर्दी खांसी के लिए यूज होती है दोस्तों, उसमें भी आपको फेरमफास दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव के रूप में डाला हुआ मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार का बुखार आया हो, चाहे वो मीजल्स के कारण आया हो, चिकन पॉक्स के कारण आया हो, या किसी भी इन्फेक्शन के कारण आया हो, यदि दोस्तों उसकी प्रथम अवस्था है, बुखार अभी आना शुरू हुआ और वहां पर फेरमफास 3x या 6x पोटेंसी में 4-4 गोली
सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार थोड़े से गुनगुने पानी में डालकर उसकी एक एक चम्मच लगातार आप लेते हैं या छोटे बच्चे को देते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही आसानी से ये बुखार बिना किसी कष्ट के ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जब किसी बच्चे को दस्त लगे, लूज मोशन लगे, वहां पर भी यदि प्रथम अवस्था है, अभी अभी लूज मोशन स्टार्ट हुए हैं, वहां पर भी आप जब फेरोमफास दवा का यूज करेंगे वही 3x या 6x पोटेंसी में, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति को जो है अपनी बीमारी से बहुत जल्दी राहत मिल गई है। दोस्तों आप देखेंगे तो बायोकेमिक की एक विश्व प्रसिद्ध दवा है दोस्तों बीसी नंबर 21। ये दोस्तों आप जब भी पता करेंगे तो दोस्तों दांत निकलते समय बच्चों को जो तकलीफ होती है और उसे दूर करने के लिए, चाहे वो दांत निकलते समय बुखार आ रहा हो या लूज मोशन आ रहा हो, उसमें इससे बेटर कोई दवा नहीं है। और इसका दोस्तों केवल इसमें दो ही अवयव है जिसमें से एक अवयव है फेरमफास 3x पोटेंसी में। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों आप देखेंगे तो फेरमफास के बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है और होम्योपैथी की जो बहुत ज्यादा प्रचलित प्रचलित होम्योपैथिक दवाइयां हैं, चाहे वो पेटेंट हो या कोई डॉक्टर अपने कॉम्बिनेशन बना रहा हो, उसमें फेरमफास दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो फेरमफास को कान के अंदर यदि सूजन है, दर्द है, लाली आ रही हो, कान से पस निकल रहा हो, सब प्रथम अवस्था में अभी भी होना शुरू हुआ हो, ठंडी लग गई हो उसके कारण ये सारी चीजें होना शुरू हो रही हो, वहां पर भी आप फेरमफास दवा को यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर भी फेरमफास 3x या 6x पोटेंसी में 4-4 गोली सुबह दोपहर और रात दिन में 3 बार दी जाती है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि फेरमफास जो ऑक्सीजन के अवशोषण को बढ़ा देता है दोस्तों, तो ये जो आपकी आंतें रहती है वहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पर भी ये इसी प्रकार का काम करता है, तो वहां पर जो पाचक रस निकलना है उसको भी बढ़ा देता है और शरीर के द्वारा जो पौष्टिक पदार्थ आपकी आंतों में है उनका अवशोषण भी बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो फेरमफास को टॉनिक के रूप में भी यूज किया जाता है और ये जो है वजन बढ़ाने का काम भी करता है, भूख बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों जब ये सारे के सारे आंतों में अच्छी चीजें मिलना शुरू हो जाती है तो आंतों का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से होता रहता है, और जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही तरीके से होता है तो आंतों के अंदर जो मल जमा हुआ वो धीरे धीरे आगे सरकता रहता है, तो व्यक्ति को कब्ज से राहत दिलाने में भी दोस्तों फेरमफास दवा बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। इसके अलावा दोस्तों जब आंख आने की शिकायत शुरू हुई हो, यहां पर भी आंखों में इन्फ्लामेशन हो रहा हो, आंखों में लाली आ गई हो, हल्की फुल्की सूजन आ गई हो, थोड़ा बोड़ा पस दिख रहा हो दोस्तों, और आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, दर्द हो रहा हो, आंखों को जरा सा भी टच करते हैं दोस्तों तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वहां पर भी फेरमफास दवा दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस का केसेस हो, न्यूमोनिया का केसेस हो, वहां पर भी दोस्तों यदि इन्फ्लामेशन जो है लंग्स में अभी भी होना शुरू हुआ, वहां पर भी जब आप फेरमफास दवा देते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको खांसी में ब्लड आ रहा हो वहां पर भी आप फेरमफास दवा का यूज करते हैं तो यह ब्लड आना बंद हो जाता है। फेरमफास 3x या 6x पोटेंसी में 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम। दोस्तों यदि किसी भी कंडीशन से नाक में से खून निकल रहा हो, चाहे नेजल पॉलिप के कारण हो, साइनस के कारण हो, नाक में किसी प्रकार की चोट लग गई है उसके कारण ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो इस बहते हुए ब्लड को रोकने के लिए भी फेरमफास 3x या 6x पोटेंसी में 4-4 गोली सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार मरीज को दी जाती है। धीरे धीरे मरीज के अंदर जो है प्रवृत्ति हो जाती है कि ये ब्लड का बहना जो है दोस्तों रुक जाता है। महिलाओं में देखें तो इसी प्रकार से कई सारी महिलाओं को दोस्तों समय से पहले ही जो है मेंसेस आने लग जाते हैं हर 21 दिन में, वहां पर भी यदि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो उसे रोकने के लिए भी दोस्तों फेरमफास दवा का 3x 6x पोटेंसी में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत लंबे समय तक लगातार बोलने का काम करना पड़ता है, चाहे वो नेता हो जैसे हमारे मोदी जी, या दोस्तों वकील हो उन्हें कोर्ट में लंबी लंबी बहस करना पड़ता है, या टीचर हो जिन्हें बहुत लंबे समय तक पढ़ाना पड़ता है, ऐसे सारे लोग, या आप देखेंगे कि मंदिर के पुजारी लोग हैं जो लंबे लंबे समय तक हवन करवाते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों में आपको गला खराब होना, गला पकना, गले में दर्द होना या आवाज बैठना, इस प्रकार की शिकायत बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो इन सभी केसेस में भी दोस्तों फेरमफास दवा यदि आप कुछ समय तक लगातार लेते रहते हैं 3x 6x पोटेंसी में, तो आप देखेंगे कि आपके गला जो है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है और फेरम नाम के तत्व की आपके अंदर जब कमी दूर हो जाती है तो ये गला बार बार बैठने या खराब होने की शिकायत भी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों मूत्राशय हो, वहां पर इन्फ्लामेशन की फर्स्ट स्टेज हो, बाथरूम करते समय दर्द हो रहा हो, थोड़ी बहुत आपको जो है ऐसा लग रहा हो अंदर से सूजन सी महसूस हो रही है, वहां पर भी आप दे सकते हैं, या पाइल्स के केसेस में यदि मस्तों में सूजन आई हो, प्रथम अवस्था हो दोस्तों, वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि होम्योपैथी में प्रसिद्ध बायो कॉम्बिनेशन नंबर 17 जो पाइल्स के लिए होती है उसमें भी दोस्तों फेरमफास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव के रूप में डाला होता है। दोस्तों गठिया के केसेस में जब जोड़ों में नई नई सूजन आना शुरू होती है, इन्फ्लामेशन की फर्स्ट स्टेज है, वहां पर भी आप दर्द को दूर करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए दोस्तों फेरमफास होम्योपैथिक दवा का यूज कर सकते हैं। 3x 6x पोटेंसी में भी ले सकते हैं या 30 पोटेंसी में भी 4-4 बूंदे सुबह दोपहर रात डायरेक्ट आप जीभ पर डाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं फेरमफास को मेंटली कहां कहां यूज किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही हो,
तो वहां पर आप फेरमफास हाई पोटेंसी में लेते हैं तो आपको लाभ होता है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें दिन भर आलस्य बना रहता है, दिन भर ऐसा लगता नींद आ रही है, हम सोते हैं तो बहुत लंबे समय तक सोते रहते हैं, तो वहां पर आपको फेरमफास जो है वो लो पोटेंसी में जब आप यूज करते हैं 3x में, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति की जो ज्यादा नींद आने की प्रवृत्ति है दोस्तों वो कम हो जाती है। मतलब नींद कम हो या ज्यादा, इसे ये बराबर बैलेंस करने का काम करता है। मानसिक रूप से देखें दोस्तों, तो ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा निराशा का वातावरण होता है या जिनके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा साहस की कमी होती है, छोटे से छोटा काम भी उनको पहाड़ जैसा लगने लगता है, थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत लगने लगती है, ऐसे सभी लोगों में दोस्तों आप होम्योपैथिक दृष्टि से फेरमफास दवा का यूज कर सकते हैं। फेरमफास दवा का दोस्तों जो मरीज होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, धूप में निकलने में उसे चक्कर आने लगते हैं, सरदर्द होने लगता है। दोस्तों ये सारे के सारे लक्षण फेरमफास दवा के हैं और आप इन सभी बीमारियों में फेरमफास दवा का यूज कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आप फेरमफास कितना ज्यादा उपयोगी है ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी टॉनिक है होम्योपैथी में वो बिना फेरमफास के कंप्लीट नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों जो वायो कॉम्बिनेशन होते हैं जो 1 से लेकर 28 तक पाए जाते हैं, उसमें भी बिना फेरमफास के दोस्तों आप देखेंगे कि 2-4 ही ऐसे वायो कॉम्बिनेशन होंगे जिनमें फेरमफास नहीं डली होती। चाहे 1 नंबर वायो कॉम्बिनेशन है जो एनीमिया के लिए दी जाती है, खून की कमी के लिए दी जाती है, उसमें भी फेरमफास होता है। चाहे 3 नंबर जो पेट दर्द के लिए दिया जाता है उसमें भी फेरमफास होता है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो 5 नंबर जो जुकाम के लिए है या 6 नंबर जो सर्दी खांसी के लिए, इनमें भी फेरमफास है। 7 नंबर देखेंगे आप दोस्तों जो डायबिटीज के लिए दिया जाता है, तो उसमें भी दोस्तों आपको कमजोरी दूर करने के लिए फेरमफास डाला हुआ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि 8 नंबर जो डायरिया यानी लूज मोशन के लिए है, 9 नंबर जो डिसेंट्री के लिए है, इनमें भी आपको फेरमफास डाला मिलेगा। 10 नंबर टॉन्सिल्स के लिए, उसमें भी फेरमफास मिलेगा। 11 नंबर जो फीवर के लिए दोस्तों, उसमें तो फेरमफास डला हो गई क्योंकि फेरमफास फीवर दूर करने के लिए एक मुख्य मेडिसिन है। दोस्तों 12 नंबर हेडेक यानी सरदर्द के लिए, तो उसमें भी फेरमफास डला हुआ है। इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों तो आपको अधिकांश बायो कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे जो फेरमफास जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव के रूप में डला मिलेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि फेरमफास दोस्तों होम्योपैथी की दृष्टि से या बायो कॉम्बिनेशन की दृष्टि से, बायोकेमिक मेडिसिन की दृष्टि से कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण औषधि है। दोस्तों आप इसे सर्दी खांसी में, बुखार में, हाथ पांव दर्द की प्रथम अवस्था में, जोड़ों की सूजन में, कान के दर्द में, आंख के दर्द में और सबसे ज्यादा बच्चों या बड़ों के बुखार की प्रथम अवस्था में यूज करके देखिए। मेरा दावा है दोस्तों आप पेरासिटामॉल का यूज करना बंद कर देंगे और सभी तरफ से सुरक्षित ये बायोकेमिक और होम्योपैथिक मेडिसिन फेरमफास का यूज करना ही हमेशा चालू रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं इसके डोज के रूप में, तो यदि आप इसे लो पोटेंसी में ले रहे हैं 3x में, 6x में या 12x में, तो आपको 4-4 गोली सुबह, दोपहर और रात लेना है। सबसे अच्छा तरीका जो है इसको लेने का वो ये है कि आप इसकी 4 गोली आधे कप गुनगुने पानी में गला दें और थोड़ी थोड़ी देर में उसकी 1-1 चम्मच पीते रहें 5-5 मिनट के अंतर से। दोस्तों यदि आप 30 में यूज कर रहे हैं तो भी इसकी 4 बूंद सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बार ले सकते हैं कुछ दिनों तक। और यदि आप इसे हाई पोटेंसी में यूज कर रहे हैं 200 में, तो सुबह और शाम दिन में 2 बार इसका यूज करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।